Hi, this is and we are live on the YouTube channel of of Academy 11th and 12th with Lecture number 3 of Ionic Equilibrium पी एच pH scale आज पढ़ने वाले हैं बच्चों जल्दी से se copy लेके आ जाओ jao. Good afternoon, everyone. I hope I am audible and visible. जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको pH में मैं आज बिल्कुल uh, होशियार बना दूंगी मतलब बहुत सारा हम प्रैक्टिस करेंगे और लेवल जीरो से लेवल हीरो तक हमको जाना है तो डेफिनेटली पूरे वन आर का सेशन रहेगा एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग अलॉट <coughs>

कि हमारे और आपके बीच का ये कनेक्शन है तो प्लीज बी देयर इन दिस ग्रुप एंड uh, इस क्यू आर कोड को स्कैन करके आप नोट्स ले सकते हैं आज का फीचर अन अकेडमी की लर्निंग ऐप एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है जिसमें आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है ज्यादातर बच्चे डाउट पूछने में बहुत हेजिटेट करते हैं तो यहाँ आप डाउट्स किससे पूछ रहे हैं एक ऐप पे डाउट अपना पूछ रहे हो तो आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है ना आपको टाइम के बारे में सोचने की जरूरत है ना आपको नंबर ऑफ डाउट्स के बारे में सोचने की जरूरत है एम बी लाइफ कोड लगाइए और जितने डाउट्स आपको आते हैं सब पूछ लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है मूविंग अड अन अकेडमी कंडक्ट करता है कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी वीक एवरी संडे एक बजे जिसमें स्कॉलरशिप पुल जबरदस्त होता है आपको एम बी लाइव कोर्स एनरोल करना है फ्री एग्जाम एंड यू हैव यू हैव अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप जिसमें जो की एक करोड़ के पुल में से है Uh, बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि जो YouTube से शिफ्ट हो जाते हैं कहां पे uh, प्लस पे किसके थ्रू कॉम्बैट के थ्रू 100% परसेंट स्कॉलरशिप भी मेरे बच्चों को यहाँ मिली हुई है मे बी फ्यू ऑफ यू देर इन द चैट बॉक्स जहां पे 100% परसेंट स्कॉलरशिप लेकर के बच्चे प्लस पे शिफ्ट हुए हैं 75% फाइव परसेंट स्कॉरशिप जहां पे ऑलरेडी इतना नॉमिनल से चार्जेस अगर आपको सेवेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है तो वो चार्जेस ना के बराबर रह जाते हैं और इसी तरीके से काफी सारी स्कॉलरशिप है मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये एग्जाम जरूर देना चाहिए मूविंग अहेड वी हैव सेवरल थिंग्स जैसे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मेरिट सर्टिफिकेट्स ये सब चीजें हम कॉम्बैट के विनर्स को देते हैं एमबी लाइफ से आपको एनरोल करना है एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडिजी टेस्ट हो, कल से शुरू होने वाला है अन अकेडमी आपके अंदर के uh, उस इंसान को खोजने की कोशिश कर रहा है जो डिजर्व करता है बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ना लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वी आर विद यू तो अन अकेडमी इस टेस्ट के जरिए आपको ट्वेंटी कॉलेज ग्रांट देगा अगर आप डिजर्विंग हैं अगर आपने अपने आप को साबित किया कि यस हम पढ़ने के deserve, हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़, पढ़ना चाहते हैं बट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल so रहेगा जरूर देना आपको प्रोडिजी टेस्ट ये चार डेट्स पे होगा और कल से स्टार्ट होने जा रहा है दस बजे से ठीक है ये शेड्यूल आप जिस भी क्लास में है आप अपना शेड्यूल uh, नोट कर सकते हैं जिस भी क्लास में है ये शेड्यूल आपके सामने है एंड नॉट ओनली दैट कि आपको कॉलेज ग्रांट मिल रही है है ना आपको टॉप हंड्रेड में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग प्राइस भी मिलेगा तो यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ हुई ना कि आपको आप एक टेस्ट दे रहे हैं और अगर आप उसमें कुछ बहुत बढ़िया करके लाते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है तो यार इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है ना लेट्स टॉक अबाउट लेट्समी सब्सक्रिप्शन फीचर्स प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ाते हैं टीचर्स बहुत मेहनत करके डेडिकेशन से एंड साथ ही साथ जो कनेक्शन होता है प्लस के क्लासरूम में मैं आपको पहले बता देती हूँ अन अकेडमी का एक प्लस प्लेटफॉर्म है जो कि पेड है जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है देन यू बिकम पार्ट ऑफ द क्लासेस बहुत सारे मतलब देश के अमेजिंग मेंटर्स पढ़ा रहे हैं और लाखों बच्चे इस चीज का फायदा भी ले रहे हैं ठीक है अब आपको क्या फैसिलिटीज क्या फीचर्स मिलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे जो चैप्टर पढ़ाया जाता है साथ साथ उसका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो भी एक टीचर का हैंड रिटन टू गिव यू दैट ऑफलाइन वाली फील मतलब हैंड रिटन प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है टॉपिक आपको पढ़ा दिया तो पढ़ा देने के बाद में बेसिकली आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इससे आपके दिमाग का एक जबरदस्त डेवलपमेंट होता है एंड वी बिलीव इन मेकिंग दिस थिंग इंटरेस्टिंग मतलब पढ़ने का कई बार मन नहीं करता घूमना फिरना ऐश मारना गप्पे मारना दोस्तों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है बट हमारी टीम हमेशा इस बात पर काम करती है कि ये चीज जो पढ़ना है वो हर बच्चे के लिए हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सके तो उसके लिए अन अकेडमी पर एक जबरदस्त फीचर है पोलिंग फीचर है ना मतलब जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो छोटे छोटे हर ब्रेक्स पे मतलब आपको दस मिनट पढ़ा है दस मिनट के बाद आपके सामने एमसीक्यू लॉन्च कर दिया तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसमें एबीसीडी ऑप्शन आते हैं उसमें आपको अप डाउन होती है जैसे आप गेमिफाइड उसमें घुस जाते हो गेम खेल रहे हो क्या आपने कोई चीज सुनी समझी एंड आपकी ना एनर्जीज डाउन नहीं होने देते हम बिल्कुल भी कि आपने सुनी समझी आपसे सवाल पूछ लिया सवाल पूछा आपके सामने एबीसीडी ऑप्शन आएंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पे आप आंसर करेंगे और उस बेसिस पे आप अगर बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे हैं तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी अगर कहीं ऊंचे नीचा हो रहा है तो रैंक खराब आ जाएगी रैंक को अच्छा इंप्रूव करने का मन किसका नहीं होता सभी का होता है तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें एक घंटे की क्लास कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता कि हम बार 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 स्टूडेंट को एक वैल्युएशन मोड में डाल देते हैं तो एग्जाम फियर या तो खत्म ही हो जाता है हमारे यहाँ के बच्चों में ठीक है तो ये बहुत जबरदस्त चीज है उसी के साथ साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके साथ के साथ वर्कशीट आपको मिलेगी और वो वर्कशीट सिर्फ ऐसे नहीं कि बट गई और बात खत्म अब कर लेना अपने जाते हैं चैप्टर के बीच में ही उनके अंदर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती हैं आपके डाउट डिस्कस होते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाते हैं आपके टेस्ट होते हैं मेगा क्विजेस वगैरह होती हैं जिसमें आपकी पूरी क्लास की रैंकिंग डिसाइड होती है ठीक है यही नहीं चैप्टर के एंड में आपका एनसीईआरटी डिस्कशन क्लास लगा होता है ताकि आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस आए कि हमने एक एक चीज को समझा है हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे परीक्षा दी है हमने हर मोमेंट पे हर कदम पे खुद को इम्प्रूव होता हुआ पाया है वर्कशीट्स की है डीपीपीज की है प्रैक्टिस करी है एंड नाउ पूरा जो वो ऑफलाइन में नहीं होता चैप्टर खत्म हो रहा है तो पूरी क्लास टेस्ट दे रही है तो ऑफलाइन में शायद रैंक बनते होंगे नहीं बनते होंगे सिर्फ नंबर बढ़ते होंगे लेकिन यहाँ हमारे रैंक भी बनता है कि कौन टॉप टेन रैंकर्स है क्लास के तो बहुत मजा आता है साथ ही आपको रेज हैंड फीचर मिलता है जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है जिसमें आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बात कर सकते हैं एंड यू यू गेट टू टू टॉक योर टीचर ना देन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव इज इन ऑल डिफरेंट ठीक है मजे आ जाते हैं आपको तो उसके थ्रू हमारा ऐप जो है वो उसका जो क्वालिटी है या हम उसका जो बोलेंगे बहुत ही शानदार

अब आप पूछेंगे मैम कितनी ड्यूरेशन का हम ले अगर हम लेना चाहेंगे तो आई वुड रिकमेंड यू कि सेफ साइड रहना है तो एटीन मंथ्स का लो बीइंग एन एलेवंथ क्लास स्टूडेंट वो कॉस्ट फ्रेंडली भी बहुत बढ़ता है देखिए ट्वेंटी थाउजेंड का है ट्वेंटी थाउजेंड में अगर आपने क्या लगाया एम बी लाइव कोड लगाया ये देखिए मास्टर ब्लास्टर कोड लगाया लगायान थाउजेंड का हो जाएगा जिसमें आपकी बच्ची हुई पूरी ग्यारहवीं एंड पूरी ट्वेल्थ कवर होगी सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे पूरे नोट्स मिलेंगे पूरी डीपीपीज मिलेंगी हर डीपीपी डिस्कस होगी एनसीईआरटी का एक एक सवाल डिस्कस होगा आपके द्वारा जो डाउट्स आप पूछोगे एडुकेटर्स आपसे हर सब्जेक्ट के हर एडुकेटर आपसे वो डाउट डिस्कस करेगा और यही नहीं अगर आप किसी एक एडुकेटर से संतुष्ट नहीं है आपका और उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा तो आप इमीडिएटली अपना एडुकेटर स्विच कर सकते हो इसमें आपको कोई मेल्स करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको किसी पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच के साथ डिजाइन हुआ है ये प्लेटफॉर्म और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको पर्सनल कोच एक्स्ट्रा मिल जाएगा और इसके चार्जेस थर्टी फाइव थाउजेंड है सेम सब्सक्रिप्शन के थर्टी वन फाइव हंड्रेड के आपको पड़ेंगे

अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जरूर से जरूर, जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड साथ ही बंसल क्लासेस वगैरह जो आप इंस्टीट्यूट सुना होगा कोटा में जिनमें बच्चे अपने घर छोड़ छोड़ करके होस्टल में के उन टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं जिन टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बच्चों एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है डॉक्टर्स के फील्ड में एंड टीचिंग की फील्ड में ठीक है

फोर्टी टू थाउजेंड में आपको पड़ेगा बाय यूजिंग कोड और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं निकालें तो ढाई निकाले, तो से तीन लाख का तो खर्चा है उसके अलावा रहना अलग है और ट्रैवल अलग है एंड खाने वाने का खर्चा अलग है तो जो चीजें तीन तीन चार चार लाख में हो रही है वो यहाँ पे आपको फोर्टी या थाउजेंड में मिल रही है ठीक है यूजिंग कोड एम्बी लाइव एंड दीज ऑफर्स विच जस्ट गो थ्रू इट थर्टी जनवरी तक ये ऑफर्स चल रहे हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट से ये दिव्यांशी प्रेजेंट हेयर विद फुल जोश यस योर मैम इज आल्सो इन फुल जोश जल्दी से सेशन को बच्चा शेयर कर दो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारी होने वाली है मेरे बच्चों आज और अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा एंड कैलकुलेटर भी लेके बैठिएगा ठीक है गुड आफ्टरनून एवरी वन राजलक्ष्मी सुमित मेहनाज रितु श्रुति विच्चर आस्था नेहा चलो

हाय पुनीत कुमार वेलकम बेटा अब आपको सबसे पहले मैंने मैं आपके लिए आज एक क्लासिफिकेशन कर दे रही हूं कि आप जिस किसी भी एसिड या बेस का पीएच निकालने के लिए आपको दिया जाएगा तो आप टोटल एसिड्स को अपने दिमाग में चार सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए ठीक है इस ये क्यों करना है मैं बताऊंगी आपको बाद में बट एक बार के लिए जो मैं कह रही हूं वो करिए कि टोटल चार तरीके के एसिड्स या बेस हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स स्ट्रॉ बेसि देर आर फोर टोटल क्लासिफिकेशन चार है स्ट्रॉन्सिड्स वीक एसिड्स स्ट्रॉन्फिकेशन क्या है देखिएगा जो एसिड होते हैं या बेसिस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो दो तरीके के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से लिख लीजिए स्लाइट जो है वो छपेगी नहीं इलेक्ट्रो मतलब ये प्रिंट में ये उसमें नहीं आएगी तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक्स लिख दिया राइटिंग अच्छी सी लिखते हैं भाई साफ सुथरी इलेक्ट्रो लाइट्स दो तरीके के होते हैं पहला होता है वीक और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग ठीक है वीक एंड स्ट्रांग फिर स्ट्रांग भी डिवाइडेड होते हैं एसिड्स एंड बेसिस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रोंग बेसिस एंड वीक बेसिस अपनी कॉपी में बनाइएगा वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस वीक एसिट्स एंड वीक बेसिस ठीक है ये बना लो फिर इनको इस चार तरीके से मतलब चार में मैं डिवाइड करके ही पढ़ाऊंगी क्योंकि बुक्स में बहुत इतना मिक्स मिक्स दे रखा है उससे बच्चों को समझ में नहीं आता तो आपको चारों सेक्शन मैंने अलग अलग पढ़ाने हैं जैसे कई बार ना होता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की किताबें सब मिक्स करके रायता फैला दिया तो एक किताब ढूंढने में ऐसी हो जाएगी लेकिन अगर फिजिक्स के अलग केमिस्ट्री के अलग मैथ्स के अलग बायोलॉजी के अलग इंग्लिश के अलग रखेंगे हर चैंबर में अलग अलग या हम कपड़े खरीदते हैं तो हमारे बाहर के कपड़े अंदर के बाहर के कपड़े अलग और घर में पहनने वाले कपड़े अलग अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग जमाएंगे तो ढूंढने में आसानी होती है सिमिलरली आप इस कॉन्सेप्ट को भी चार सेक्शंस में कैटेगराइज करिए वीक एसिड्स वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कर लिया है थम्सअप कर दीजिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने आपको कल एक चीज बताई थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए पीएच के फॉर्मूले में जो एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन डलती है वो वही होती है जो कि एसिड की कंसेंट्रेशन होती है एसिड की कंसेंट्रेशन को एज एज इट इज आप एच प्लस पुट कर सकते हैं इन केस ऑफ इनकेस्रॉसिड फिर से सुनिए स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है मतलब जैसे में जाता है टूट जाता है जैसे सोल्यूशन में जाता है टूट जाता है जैसे सोल्यूशन है टूट जाता, जाता, जाता है हर वो यूनिट जो सोल्यूशन में पड़ेगी वो ब्रेक होगी और यही कारण है कि जितने एसिड के मतलब तुम पार्टिकल्स या जो यूनिट्स है वो पानी में या सोल्यू में डालोगे सबके सब H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में H+ प्लस एंड कंसेंट्रेशन वही डलती है जो कि एसिड की कंसेंट्रेशन होती है जब मच में आते जाते हो थम्सअप बंद मत करो बेटा एक थम्सअप करने में कोई वही नहीं होती बस थम्सअप थम्सअप करते रहो ताकि मेरे को पता लगता रहे समझ में आ रहा है ठीक है क्लियर चलो

How How will you calculate? Can somebody tell me? How will you you calculate? OH calculate Can Can somebody somebody tell tell me? me OH minus ion concentration? this? कि आप OH minus ion concentration को एसिड के सोल्यूशन में कैसे निकाल सकते हैं OH आपको पता होगा कि के डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है H3O थ्री प्लस जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर याद है है ना तो अगर आपको एच थ्री ओ प्लस एन कंसेंट्रेशन पता है तो ओ एच माइनस कैसे निकलेगी के डब्ल्यू अपॉन एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे की पावर माइनस फोर्टीन होती है इस टेम्परेचर पे टेन की पावर माइनस फोर्टीन और एच ओ प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है टेन की पावर माइनस टू तो फिर ओ एच माइनस एन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी टेन तो OH की पावर माइनस ट्वेल्व एम ठीक है तो ओ एच माइनस एन की कंसेंट्रेशन भी पता लग गई नहीं बेटा अभी पीएच नहीं निकाल रहे अभी पीएच नहीं निकाल रहे अभी ये बहुत बेसिक सवाल है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हैं और एसिड बेस की कंसेंट्रेशन दे रखी है आप में सिर्फ ये स्किल डेवलप करने की मैं कोशिश कर रही हूं कि अगर आपको एसिड की कंसेंट्रेशन मिल जाए तो क्या आप एच प्लस की कंसेंट्रेशन और ओ एच माइनस एन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं तो हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल अल्टप्पा सा फॉर्मूला है, है ही नहीं इसमें कुछ इस चीज का कोई लेवल ही नहीं है सिंपल सी बात है कि की की जो भी है है वही H की मानी जाएगी क्योंकि वो है। और OH की इस के से ये निकाली जाएगी के डब्ल्यू पर एच प्लस तो के डब्ल्यू की वैल्यू तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ ली थी कितनी थी टेन के पार माइनस फोर्टीन तो ओ एच माइनस भी निकल गया सेकेंड पार्ट करेंगे जीरो पॉइंट आज प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, है बेटा एम लेकिन एक बात मैं करती हूँ आज की पूरी प्रैक्टिस कर ली तो कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा जीरो तो पॉइंट्रेशन OH निकालो बच्चों क्योंकि बेस है ना तो बेस में ओ एच माइनस कितना होगा जितना बेस के कंसेंट्रेशन है उतना ही ओएच OH माइनस होगा जितना बेस का कंसेंट्रेशन है उतना ही ओएच OH माइनस होगा।, OH होगा क्योंकि बेस स्ट्रांग है जैसे ही बेस पानी में पड़ता है तुरंत ओ एच माइनस में कन्वर्ट हो जाता है तो एक भी यूनिट अनडिसोसिएटेड नहीं रहती पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 5 into 10 ki power minus 3 m. The concentration of OH minus is same as that of concentration of base. y. The concentration of OH minus is same as that of concentration of base. y. Why, Why beta? Why did I say that concentration of base is same as that of OH minus? Concentration of OH minus is same as that of this NOH. No, no, Riyan bitu. वेरी गुड बिकॉज इट इज स्ट्रोंग किसने आंसर दिया है नगीना ने बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बेटा एक छोटी सी बात है आप लिख लोगे कॉपी में कि अगर एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है तो उसका मतलब यह होता है कि वो पूरा डिसोसिएट होता है और अगर कोई चीज पूरी की पूरी डिसोसिएट होती है तो जो कंसेंट्रेशन एन की है वही कंसेंट्रेशन ओ माइनस की भी होगी अब इसमें आपको एच थ्री कंसेंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ओ OH माइनस तो पता चली चुका एच ओ प्लस कैसे निकलेगी के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस के डब्ल्यू अपॉन

ओके बेटा अन्ना क्लियर पॉइंट टू इंटू टेन की पर माइनस इलेवन एब्सोल्युटली करेक्ट तो चलो आंसर्स देने के लिए तैयार रहें इस स्लाइड में मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई है वो यही सिखाई है नोट इट डाउन कि अगर एसिड और बेस स्ट्रांग है तो उसी की कंसेंट्रेशन डलेगी एज एच प्लस की कंसेंट्रेशन मतलब अगर मेरे को एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो वो एसिड की ही कंसेंट्रेशन है और अगर बेस है तो जो मुझे ओ एच माइनस एन की कंसेंट्रेशन डाली निकालनी है वो एनओ uh, एच की ही कंसेंट्रेशन को मैं एज इट इज ओ एच की कंसेंट्रेशन बोलूंगी पूछे क्यों क्योंकि वो स्ट्रांग है जाते ही टूट जाता है आपने दस दस पार्टिकल एनओ एच के डाले दस टूट गए बोले माइनस भी दस है भाई क्योंकि दस एनओ एच पटकोगे तो ओ माइनस भी दस ही रिलीज होंगे पचास पटकोगे तो पचास रिलीज होंगे सौ पटकोगे तो सौ रिलीज होंगे क्योंकि वो पूरा पूरा टूट जाता है तो बींग स्ट्रॉग एसिड एंड बेस एन ओ एच माइनस और एच प्लस की कंसेंट्रेशन बिल्कुल वो एसिड और बेस की कंसनट्रेशन से मैच होती है ठीक है अब ऐसे केस में अगर आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट पीएच वाले क्वेश्चंस आ जाए कैलक्यूलेट पीएच तो पीएच कैसे निकलेगा इन्हीं का पीएच निकालना होगा तो कैसे निकलेगा इसका पीएच निकालिए जीरो पॉइंट uh, का, तो का फॉर्मूला क्या होता है, एच का होता है नेगेटिव और, मतलब प्लस और यहां एच प्लस क्या है जो एच सी एल की यही तो चीज सीखी हमने कि जो एच सी एल की कंसेंट्रेशन है वही तो माइनस लॉग ऑफ टेन की पावर माइनस टू तो आंसर क्या है टू ठीक है आंसर क्या हो जाएगा दिस पावर इज द आंसर दिस पावर इज द आंसर ठीक है क्योंकि अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व भी करवा देती हूँ माइनस लॉक टेन की पावर माइनस टू इज माइनस टू लॉक टेन लॉक टेन की वैल्यू तो वन होती है तो आंसर हो जाएगा प्लस टू तो पीएच हो जाएगा टू ठीक है अच्छा इसी के अंदर पीओ कैसे निकालोगे पीओ कैसे निकालोगे पीओ पीएच प्लस पीओएच एच फोर्टीन होता है पीएच प्लस पीओ एच होता है कौन सा लिया था पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एनएच का करके दिखाओ पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एनएच जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एन एच का आपको पीएच निकालना है तो बेस के केस में पहले पीओ निकलता है फिर पीएच निकलता है ठीक है तो ओएच माइनस एन कंसेंट्रेशन कितनी है फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री है ना फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री अब पहले पीओ निकालेंगे आप पहले यू विल फाइंड पीओ तो पीओ कैसे निकलेगा पीओ इज इक्वल्स टू नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ एच माइनस आइन कंसेंट्रेशन यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ फाइव इंटू टेन की पर माइनस थ्री यानी कि शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कल वाली क्लास में डिट्रिक्री माइनस लॉक फाइव सीधा लॉक फाइव का आंसर क्या लॉक फाइव की वैल्यू आप बुक में से देख सकते हैं पॉइंट सिक्स समथिंग होती है ना पॉइंट सिक्स होती है लॉक फाइव की तो थ्री माइनस जीरो पॉइंट सिक्स यानी कि थ्री टू पॉइंट फोर तो हो जाएगा पीओ एच ठीक है पीओ एच कितना आया टू पॉइंट फोर और पीएच कितना आएगा 14 माइनस टू बिकॉज पीएच एच एंड पीएच का सम 14 होता है तो पीएच आएगा 14 माइनस टू तो ये आ जाएगा आपका 11.6 पीएच सिक्स पी आ रहा है इलेवन एंड पीओएच आ रहा है 2.4 ये करें अब कैलकुलेट द पीएच ऑफ फटाफट आंसर रिपोर्ट करो अब तुम तुम लोग करना शुरू करो अब तुम लोग करो और आंसर रिपोर्ट करो जल्दी जल्दी <clears throat> बेटा मो, आ, मोहन बीच में थोड़ी क्वेलिवर छोड़ देंगे पूरा करके ही तो शुरू करेंगे बेटा श्रद्धा सिंह ने आंसर दिया है 7, प्रियंका पुरोहित ने टू पॉइंट नाइन अंजलि शीशेट सेवन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है हो सकता है तो आप अपना टेस्ट लीजिए इफ इट इज पॉसिबल देन टेक योर ओन टेस्ट अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए इन चार पांच हर क्वेश्चन को दो नंबर का मान लो और पांच सवालों तक तो अब आपका टेस्ट है अब से आने वाला हर क्वेश्चन दो नंबर का और पांच सवालों तक आपका टेस्ट है ठीक है तो आपको पीएच निकालना है पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव प्लस या प्लस लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो, नेगेटिव प्लस तो यही है क्योंकि ये है तो की पावर माइनस थ्री ठीक है ये हो जाएगा थ्री माइनस लॉग टू लॉग टू की वैल्यू होती है पॉइंट थ्री जीरो टू जीरो तो तो माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो टू जीरो टू पॉइंट सिक्स नाइन के आसपास आ जाएगी यानी कि टू पॉइंट सेवन रूडी का आंसर तो जिस बच्चों का टू पॉइंट सेवन या टू पॉइंट सिक्स नाइन आया है वो अपने आपको दो नंबर देंगे नेक्स्ट सवाल दो नंबर के लिए आपका अगला सवाल जल्दी से थर्टी सेकेंड्स कितना आंसर आ रहा है थ्री पॉइंट फोर आ रहा है सभी का करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर चलो मैं सॉल्व करती हूँ तुमने थर्टी सेकेंड से पहले ही आंसर कर लिया वेरी नाइस इसको हम करते हैं क्रॉस ठीक है cross. देखो पहले पीओएच निकालेंगे अच्छा मैंने तो पीएच बोला था तो तुमने कितना आंसर दिया गलत रे गलत नेक्स्ट चैप्टर विल बी थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम के बाद थर्मोडानेमिक्स गलती समझ में आई देखो equals to negative of OH जब भी आपको बेस दिया होता है है तो आपके पास OH concentration होती इसलिए पहले हमेशा निकलता है भाई है तो पहले निकलेगा ना पहले थोड़ी पीएच निकल जाएगा तो पीओ इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ ओ माइनस इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर से खेले तो फोर माइनस लॉग फाइव लॉग फाइव हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स यानी कि थ्री पॉइंट फोर हो जाएगा पीएच पी एच कितना हो जाएगा फोर्टीन माइनस थ्री पॉइंट फोर ठीक है यानी कि हो जाएगा ये टेन पॉइंट सिक्स पीएच 10.6 सिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सही से पीएच बताइएगा देखिए कौन सबसे पहले सही पीएच बताता है अभी तक सबके आंसर्स गलत आ रहे हैं सबके गलत आ रहे हैं एक का भी सही नहीं आया अभी तक ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट अगमदीप देखो मैंने एक आंसर सही देखा है और यह है अगमदीप कौर जिन्होंने सबसे पहला सही जवाब हमारे चैट बॉक्स में दिया है कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सी वीडियो देखनी है बेटा कोऑर्डिनेशन के मिस्ट्री मोनिका बेदी मैम डालो आ जाएगी वीडियो मैराथन भी अवेलेबल है और सेशंस डिटेल में देखने तो अवेलेबल है चलो एक बात बताओ एच टू एसओ फोर है इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया लिखती हूं मैं यहाँ मैं तुम कुछ इस स्लाइड पे कुछ नया सीखने वाले हो एड ऑन करना अपनी इन्फॉर्मेशन में एच टू फोर अगर डिसोसिएट होता है तो दो प्रोटॉन छोड़ेगा और एक सल्फेट है ठीक है अगर इसकी हम कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे तो दो प्रोटॉन देगा स्टोइकियोमेट्री कहती है कि हर एक मोल ऑफ एसिड के लिए दो मोल H+ बनेंगे मतलब जितना एसिड का कंसेंट्रेशन है उससे ट्वाइस होगा H+ का कंसेंट्रेशन क्योंकि हर एसिड जब-जब पानी में जाता है दो H+ छोड़ देता है जब-जब पानी में जाता है दो H+ छोड़ देता है तो इसका मतलब फॉर ईच यूनिट ऑफ H2SO4 व्हिच एंटर्स इनटू वाटर

यानी कि फोर माइनस लॉग टू लॉग टू होता है पॉइंट थ्री तो आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट सेवन काट लो सारे के सारे दो नंबर में से जीरो नंबर कर देना ठीक है <coughs> तो ये आंसर हो जाएगा अब यहां क्या नया सीखे गलती करे कोई बात नहीं लेकिन गलती से सीखो और उसको दोहराओ नहीं ठीक है यहां हमने सीखा कि अगर कोई डाई बेसिक एसिड है जिसके पास दो प्रोटॉन है एन इवन कोई डाई एसिडिक बेस होगा उसके पास दो एच माइनस होंगे तो आप कंसेंट्रेशन को टू से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलें अगला करें हाँ अगमदीप कौर का सही हो गया बाकी किसी का नहीं हुआ आंसर आ रहा है नेक्स्ट वाले का शाबाश रियान सिंह ऋतु का सही आ गया है नाजिम का सही आ गया है आस्था मिश्रा का सही आ गया है नितेश तिवारी का सही आ गया है वेरी गुड तो अगेन मैं बोलूंगी कि एच टू एसओ फोर तो डायबेसिक एसिड है ना तो फॉर एवरी यूनिट ऑफ एच टू एसओ फोर एच प्लस हो जाएंगे ना बिटू एवरी यूनिट ऑफ एच टू एसओ फोर एच प्लस तो दुगने हो जाएंगे ना हर पेंसिल बॉक्स में दो पेंसिलें पड़ी हैं हर पेंसिल बॉक्स में दो पेंसिलें पड़ी हैं तो जितने पेंसिल बॉक्स है पेंसिलें तो उससे दुगनी है ना सिंपल सा यूनिटरी कंसेप्ट है कौन सी क्लास का छठी की चौथी ये बताओ तुम मुझे है ना सिंपल सी चीज है तो एच टू एसओ फोर डिसोसिएट इन टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस तो इसके लिए इसमें जो एच थ्री ओ प्लस आइन होता है वो ट्वाइस हो जाएगा इसके यानी टू इंटू टू इंटू टेन के पार माइनस टू मतलब टू इसको मैंने ट्वाइस कर लिया यानी फोर इंटू टेन की पार माइनस टू ठीक है अब इसमें मुझे पी एच लिखना है तो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ एच थ्री ओ प्लस आइन कंसेंट्रेशन तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ फोर इंटू टेन की पार माइनस टू यानी कि टू माइनस लॉग फोर और टू माइनस लॉग फोर की वैल्यू हो जाएगी लॉग फोर जीरो पॉइंट फाइव के आसपास होता है ना तो वन पॉइंट फाइव के अराउंड आंसर आएगा देखो वो जो ट्रिक है उससे आप निकालते हो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो यू में रेफर लॉग टेबल या कैलकुलेटर से भी लॉग निकाल सकते हो ठीक है ये जो मैंने ट्रिक बताई है वो तो इसलिए बताई है ताकि आप कहीं लॉग की वजह से अटके नहीं इसलिए नहीं बताई कि आप इसी को रामबाण समझ के बैठ जाओ ये बुरे वक्त का हथियार है अच्छे वक्त में यूज नहीं करना है इसको ठीक है प्रॉपर लॉग टेबल से लॉग देख के यूज करें अगला क्वेश्चन और सेशन को लाइक भी कर दो देखो वॉचिंग ज्यादा है लाइक्स कम है हाँ लॉग फोर पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो जो लॉग फोर होता है पॉइंट फाइव yes, नहीं होता है मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो होना चाहिए लॉग फोर की वैल्यू बस यहीं पे ये यह होता है लॉग फोर होता है पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो है ना ऐसा कुछ होता है तो वन पॉइंट फोर हो जाएगा इसका आंसर एग्जैक्ट अगर आपको आंसर निकालना है तो लॉग टेबल रेफर करनी पड़ेगी बेटा आप ट्वेल्थ का कौन सा न्यू बैच ट्वेल्थ हो के तो बोर्ड आने वाले हैं रोज थोड़ी बनते नए बैचेस नेक्स्ट करो दॉ द वॉल्यूम ऑफ के डब्ल्यूज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज इतना एट अ सर्टन टेम्परेचर कैलकुलेट दी एच ऑफ वॉटर एट दिस टेम्परेचर करें जरा देखिए कितना आंसर निकल के आता है हेलो मैम फर्स्ट टाइम इन लाइव क्लास आफ्टर वाचिंग 82 प्लस वीडियोस थाउजेंड सब्सक्राइबर विदाउट वीडियो नाम भी बड़ा कड़क रखा है तुमने तो यार कितना आ रहा है नाजिम का थर्टीन आ रहा है ठीक से निकालो बेटा थर्टीन तो आ ही नहीं सकता प्रियंका पुरोहित का आंसर करेक्ट है अभी प्रियंका से सब चीटिंग करके लिख देंगे आंसर है ना तुम लोग बहुत तेज हो हमारी क्लास के एक ही बच्चे को सही आंसर आना चाहिए बाकी का तो सबका अपने आप सही आता है फुदक फुदक के आंसर सबकी कॉपीज में चला जाता है खुद हम तो रोकते रहते हैं देखो डब्ल्यू होता है एच थ्री ओ प्लस ओ एच माइनस अगर पानी प्योर है और उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है जो कि नहीं है क्वेश्चन में कहीं मेंशन मैंने की कोई एसिड या बेस है तो वाटर प्योर है फॉर प्योर वाटर एच थ्री ओ प्लस एंड कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू ओ एच माइनस एंड कंसेंट्रेशन ठीक है प्योर वाटर के लिए एच ओ प्लस एंड कंसेंट्रेशन और ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन सेम होता है तो वी कैन ऑल्सो राइट एच थ्री ओ प्लस एन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर टू के डब्ल्यू वी कैन ऑल्सो राइट एच टीओ प्लस एन कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू का रूट है ना एच टीओ प्लस एन कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू का रूट के डब्ल्यू कितना दे रखा है नाइन पॉइंट फाइव थ्री टेन की पावर माइनस फोर्टीन है ना

इज़ इक्वल टू सेवन माइनस लॉग थ्री लॉग थ्री कितना होता है पॉइंट फोर तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव या सिक्स पॉइंट सिक्स के अराउंड ठीक है दिस इज योर आंसर आ गया थैंक यू सो मच गेमिंग हैरियम हैरियम हाय शॉर्ट है वेरी डिफरेंट एंड यूनिक नेम तुम बस इसकी लॉग थ्री की करेक्ट वैल्यू देख लेना लॉक थ्री की करेक्ट वैल्यू कितनी है ठीक है वो देख के पुट कर देना आ जाएगा अब आपके लिए एक स्टेप इन्हांस कर रही हूँ अब तक हम जो सीखे उसको जरा मैं ब्रीफ कर देती हूँ अब तक हम ये सीखे कि अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया जाता है और पीएच निकालने बोला जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन को ही एज एच थ्रोप्लस एन कंसेंट्रेशन हम डाल देते हैं पॉइंट नंबर टू ये सीखे कि अगर हमें स्ट्रांग बेस दिया जाएगा तो पहले हमेशा पीओ एच निकलता है और फिर पी एच निकलता है तो पीओएच निकालने के लिए आप पहले बेस की कंसेंट्रेशन एज इट इज लिख दे माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस में और फिर ट्वेल्व में फोर्टीन uh, में से माइनस करके पी एच निकाल लें पॉइंट नंबर थ्री हम क्या सीखे पॉइंट नंबर थ्री हम ये सीखे कि के फॉर प्योर वाटर के डब्ल्यू के रूट से भी पीएच निकाला जा सकता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये सीखे कि एसिड के अंदर कितने प्रोटॉन है वो देखना भी बहुत जरूरी है कि लेट्स से H2SO4 के हर एसिड में दो प्रोटॉन है तो इन दैट केस H+ एंड कंसंट्रेशन विल बी डबल द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड सिमिलरली कोई एसिड तीन प्रोटॉन फर्निश करता हो तीन प्रोटॉन देता हो तीन प्रोटॉन लुटाता हो तो फिर उस एसिड की कंसेंट्रेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर आपको H3O+ एंड कंसंट्रेशन मिलेगी सिमिलरली बेसिस अगर NaOH जैसे हैं तो बेस की कंसेंट्रेशन आप एज ओ एच माइनस डाल सकते हैं लेकिन बेस अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सीए ओ एच टू तो फिर आपको एन OH की कंसेंट्रेशन में टू इन बेस की कंसेंट्रेशन करनी पड़ेगी आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ एंड नाउ आई एम इंक्रीजिंग वन मोर स्टेप जिसके अंदर मैं आपको कंसेंट्रेशन नहीं दे रही हूं आप ही को कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है जैसे टू ग्राम एन एच इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन मोलारिटी निकालिए थैंक यू सो मच आशीर्वाद मिश्रा टू ग्रा मेरी मच मोलैरिटी फाइंड आउट करिए पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करिए लॉग फिफ्टीन क्या होगा नगीना प्रवीण लॉग फिफ्टीन को तुम लॉग वन पॉइंट फाइव इंटू लॉक टेन कर सकते हो ना लॉग वन पॉइंट फाइव इंटू टेन तो लॉग टेन वन होता है तो लॉग वन पॉइंट फाइव होता है 0.2 तो 1.2 के अराउंड होगा log 15 हां हां निशा सारे बच्चे दे सकते हैं कल वाला टेस्ट सब्सक्रिप्शन का कोई मामला ही नहीं है कल के टेस्ट में आ गया आंसर 0.5 बच्चा कंसेंट्रेशन आ गई तो चलो मैं पहला वाला सॉल्व कर रही हूं तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है या एम में मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मास नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर एमएल में है तो ऊपर थाउजेंड लगाना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर ML में है तो ऊपर लगाना पड़ेगा तो गिवन मास कितना है टू और मोलर मास मास्यूम हंड्रेड है तो ऊपर थाउजेंड लगाना पड़ेगा ठीक है ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी कंसेंट्रेशन आएगी जीरो पॉइंट फाइव एम ये आपकी बेस की कंसेंट्रेशन है तो पहले क्या निकलेगा पहले पीओ निकलेगा क्योंकि ये बेस है, बेस है. तो पीओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ

ठीक है क्लियर या आ गया सबको शुडा मूव फॉरवर्ड ओके सेकेंड वाला करें सेकेंड वाला तो यही हो जाएगा इधर ही कर दें 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 मोलारिटी कैसे निकालेंगे मोलारिटी निकालेंगे आप गिवन मास कितना है 0.098 मोलर मास कितना है 98 एट हंड्रेड ml में में ले, ले रखा है तो 1000 लिख दो नीचे और इधर भी थाउजेंड लिख दो क्योंकि एमएल में जब आप वॉल्यूम लेते हैं तो ऊपर थाउजेंड लगाते हैं हालांकि ये कट जाएगा ठीक है अब ये क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो करें अब आंसर काफी तो मैंने कर दिया है फाइनल आंसर आ गया अन्ना का वन पॉइंट सेवन आ रहा है चलो देखते हैं

2 into 10 की पावर माइनस थ्री करें तो थ्री माइनस लॉग टू 2. थ्री टू की वैल्यू कितनी होती है 3, तो टू पॉइंट सेवन आ रहा है सबका वेरी गुड वेल डन वेल डन अगला करें ये वाला करें ये दोनों तो कर लिया हमने सी पार्ट करें आपको पॉइंट जीरो जीरो टू एम एसिटिक एसिड सोल्यूशन की पीएच निकालनी है अगर डिसोसिएशन पचास परसेंट है तो करो बेटा हाँ रवि कुछ प्रॉब्लम तो हो गई है बेटा मैं ऑलरेडी आई एम लुकिंग इनटू इट पीएच रियान का आंसर आया है थ्री खुश रहो यूसिफर द फॉलन एंजल गॉड ब्लेस यू नहीं वंश यू कैन टेक अ स्मॉलर सब्सक्रिप्शन बेटा तुम चिंता मत करो ना अगर नहीं ले सकते हो तो यूट्यूब पे करवाती हूं ना मैं सब कुछ तो करवाती हूं आंसर आ गया चलो करते हैं

फिफ्टी अपॉन हंड्रेड बेसिकली ना पॉइंट ये टूटा ही नहीं हुआ ही नहीं है पचास परसेंट टूटे है पचास परसेंट जो है वो बिना टूटे हुए ही रह गए हैं तो बिना टूटे हुए हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं तो हम इस कंसेंट्रेशन का फिफ्टी परसेंट निकालेंगे जैसे एच टू एसओ फोर में हमने डबल कर दिया था ना डबल क्यों किया था क्योंकि हर एसिड दो दो एच प्लस दे रहा था तो अब का फंडा क्या है कि वो टूटा ही फिफ्टी परसेंट है फिफ्टी परसेंट टूटेगा तो हम क्या करेंगे कंसेंट्रेशन का आधा कर देंगे आधा करेंगे तो वो जीरो पॉइंट जीरो ना बेटू ठीक है तो ये इज इक्वल्स टू टेन की पार माइनस थ्री एम हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी पी एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ टेन की पावर माइनस थ्री तो आंसर हो जाएगा थ्री ठीक है आंसर हो जाएगा, बी का आंसर फोर पॉइंट सेवन आ रहा है नंदिनी का चलो मैं चेक करती हूँ वन परसेंट अगर आयोनाइज है तो फिर कंसेंट्रेशन क्या होगी इफ इट इज़ ओनली वन परसेंट आयोनाइज कोई बात नहीं बेटा चेतन अगर वन परसेंट आयोनाइज है तोरोन हंड्रेड तो यह हो जाएगा टू इंटू टेन की पार माइनस फाइव एम ठीक है तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव एम यानी कि वैल्यू हाँ इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट अराउंडोर पॉइंट मतलब रफ अप्रोक्सीमेशन करें तो फोर पॉइंट सेवन इज द आंसर फोर पॉइंट सेवन इज द आंसर काफी बच्चों का फोर पॉइंट सेवन आ रहा था आई थिंक अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा है ना आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब मुझे लगता है कि आपको पीएच के एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जिन बेसिस के जो भी वेरिएशन होते हैं जिससे कई बार आपको आ, ये इस तरह के एसिड्स मिलते हैं तो आप डबल कर लेंगे अगर आपको ऐसे H3 वाले मतलब तीन प्रोटॉन वाले मतलब तो ट्रिपल कर लेंगे और अगर आपको परसेंटेज आयनाइजेशन देंगे तो आप परसेंटेज निकाल के कर लेंगे तो आपको पीएच समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो एक स्माइल मिलनी चाहिए फिर तो चैट बॉक्स में कैन आई हैव अ स्माइल मेरे प्यारे बच्चों की थैंक यू दिव्यांशु बेटा कॉन्फिडेंस का पीएच फोर्टीन क्या बात है नंदिनी मास्टर ब्लास्टर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर ब्लास्टर मैम ये ऑल राइट चलो तो आगे बढ़ते हैं अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं मैं उल्टा करा दूं अभी मतलब अभी तक तो मैं तुम्हें कंसेंट्रेशन दे रही थी ना तो तुमसे पी निकलवा रही थी अब मैं तुमको पी दूंगी और तुमसे कंसेंट्रेशन निकलवाऊंगी यार थोड़ा सा ऐसा फेर बदल तो बनता है, है ना ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको और एनसीआर में तो भर भर के हैं कि आपको पीएच दे रखी होगी और आपसे -एच, एच प्लस आइन निकलवाया जाएगा तो अब सबसे पहले ये फॉर्मूले से लिखेगा अब यहाँ पे थोड़ा कॉपी करेगा जो मैं आपको लिखवा रही हूँ देखो पी एच इज इक्वल्स टू साथ साथ लिखेंगे अपने अपने कॉपीज में माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन थोड़ा लॉग का आइडिया इलेवेंथ क्लास के बच्चों को कम होता है पर मैं आपको बता दूं कि आ, अब आप लॉग को जब उल्टी तरफ फेंकते हैं तो वो एंटी एंटीलॉग बन के गिरता है ठीक है लॉग को अब मेरे स्टाइल में मैथ्स पढ़ा रही हूँ ये इसके इस तरफ फेंकते हैं ऑपोजिट साइड साइड फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा एंटी एंटीलॉग बन के गिरेगा तो सबसे पहले तो माइनस पी एच कर लो माइनस पी एच ठीक है इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एच प्लस लॉग ऑफ एच प्लस फिर लॉग को इधर फेंकेंगे तो वो बनेगा एंटी लॉग अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग एंटी लॉग कितने बच्चों को एंटी लॉग निकालना सीखना है क्योंकि एंटी लॉग के बिना काम होगा नहीं तो माई और नहीं सीखना है तो मैं डायरेक्ट एंटी लॉग के वैल्यूज के थ्रू भी क्वेश्चन लॉग ऑफ माइनस पी एच इज इक्वल्स टू एच प्लस एन दिस इज द एंटी लॉग ऑफ माइनस पी एच इज इक्वल्स टू एच प्लस एन कंसेंट्रेशन सीखना है चलो सिखा देती हूँ तो अब ना एक तो फॉर्मुला ये है कि माइनस पीएच का एंटी लॉग जो है वो आपको एच प्लस एन कंसेंट्रेशन के फॉर्म में मिलेगा और अगर पीएच आपका होल नंबर में है ना अगर पीएच हो ये ट्रिक है ट्रिका एक इंपॉर्टेंट सी ट्रिक एक ट्रिक बता रही हूं इफ इफ द योर पीएच इन होल नंबर लाइक टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से तो आपका एच प्लस पता क्या होता है टेन की पावर माइनस पीएच ये लिख लो मतलब एक क्वेश्चन करवाती हूं क्वेश्चन वन फाइंड एच प्लस कंसेंट्रेशन इफ पीएच इज इक्वल्स टू थ्री बताओ जरा पीएच अगर तीन है तो एच प्लस कंसेंट्रेशन कितनी है पीएच अगर 3 है तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन कितनी है वेरी गुड परमीत शे शेर वेरी गुड ये फॉर्मूला ये ट्रिक है ना ये ट्रिक बहुत शानदार है अगर पीएच तीन है तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन हो जाएगी टेन की पावर माइनस थ्री होगा ना प्लस एन कंसेंट्रेशन टेन की पावर माइनस पी होता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत शानदार सी ट्रिक है लेकिन ये तभी काम करेगी अगर आपका पीएच होल नंबर में हो तो अगर आपका पीएच होल नंबर में नहीं हो तो फिर एंटीलॉक जो है उसके कुर्बानी देनी पड़ेगी तो चलो एंटीलॉग सीखते हैं एंटीलॉग ठीक है एंटीलॉक को भी मैंने तुम्हारी मैम हर चीज को कैटेगराइज कर देती है मैथमेटिक्स को भी कर दिया एंटीलॉक की फर्स्ट कैटेगरी है किसी भी होल नंबर का एंटीलॉग कोई भी होल नंबर मतलब कोई भी होल नंबर जैसे फाइव का एंटीलॉग को पूछे एंटीलॉग ऑफ फाइव क्या है टेन की पावर माइनस टेन की पावर फाइव एंटीलॉग ऑफ सिक्स टेन की पावर सिक्स एंटीलॉग ऑफ एट टेन की पावर एट एंटीलॉग ऑफ टेन टेन की पावर टेन एंटीलॉग ऑफ गोबर टेन की पावर गोबर एंटीलॉग ऑफ एनी नॉर्मल नंबर इज टेन की पावर दैट नंबर क्लियर है ये वाला फंडा एंटीलॉग ऑफ एनी नॉर्मल नंबर इज टेन की पावर दैट नंबर ठीक है क्लियर चलो अब अगर एंटी लॉग ऑफ कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं तो जैसे एंटी लॉग ऑफ माइनस फोर ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस फोर फिर लॉग ऑफ माइनस फाइव ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस फाइव लॉग ऑफ माइनस गोबर ठीक है इज इक्वल टू टेन की पावर माइनस गोबर बस टेन की पावर चढ़ाना है आपको क्लियर क्लियर बच्चों थर्ड कैटेगरी वाले डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स के एंटीलॉग निकालना तो सपोज करो वो तुमसे बोलता है एंटीलॉग ऑफ फोर पॉइंट फाइव तो डेसिमल से पहले वाला तो पावर में जाएगा टेन की पावर फोर और पॉइंट फाइव जीरो का एंटीलॉग एंटीलॉग टेबल में से देखना पड़ेगा जो कि पॉइंट जीरो जीरो से स्टार्ट हो जाती है तो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन ऐसे करते करते जब तुम मूव करते करते पॉइंट पचास पे आओगे तो पॉइंट पचास के पहले ही कॉलम में चार डिजिट्स का नंबर मिलेगा उसमें आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा के अपना आंसर रिपोर्ट करना है ठीक है एक डिजिट के बाद इसी तरीके से आपको एंटी लॉग ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स बोल रहा है तो कैसे डेसिमल से पहले वाला तो पावर में जाएगा टेन की पावर फाइव और आपको किसका देखना है आपको पॉइंट सिक्स जीरो का देखना है पॉइंट पॉइंट तो को जब तुम एंटी लॉग टेबल में ढूंढोगे तो जैसे ही पॉइंट साठ आएगा तो तुमको पहले ही कॉलम में चार डिजिट नंबर दिखाई देगा जिसमें जैसे सपोज करो नंबर है फोर फाइव सिक्स नाइन तो आपको लिखना है फोर पॉइंट फाइव सिक्स नाइन ये आपका आंसर रिपोर्ट हो जाएगा तो ये आपके पॉजिटिव डेसिमल वाले नंबर का ये आपके बेटा शुक्र है यही पूछा है वाई वी स्टडी शुक्र है ये नहीं पूछा स्टडी केमिस्ट्री वाई वी स्टडी साइंस वाई वी स्टडी ये भी पूछ सकते थे मैम स्टडी नेक्स्ट एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एंटीलॉग ऑफ अब ये इस चैप्टर में काम में आएगा जैसे माइनस फोर पॉइंट फाइव है तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो कैसे करना है मेरे बच्चों देखो आ, आपको ना 4.5 से हायर नंबर क्या होता है जस्ट हायर राउंड ऑफ टू हायर साइड 4.5 से राउंड ऑफ टू हायर साइड अरे वाह वंश अग्रवाल जबरदस्त 4.5 को हायर साइड राउंड ऑफ करो हाँ नेहा बिल्कुल सही है फाइव बिल्कुल ऋतु फाइव शिशिर और शिशिर को आंसर ही बता रहे तो टेन की पावर तो माइनस फाइव कर दो मतलब इसका जो हायर नंबर है ना बेटा 4.5 से जस्ट बड़ा नंबर तो इधर आ जाएगा फिर इस 5 में से 4.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5। मतलब आपने कितना आगे बढ़ाया इस नंबर को इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0.5। 0.5 तो आपको का एंटीलॉग यहां देखना है और वो तरीका वही है कि 0.50 को ढूंढो एंटीलॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में ही आपको चार डिजिट का नंबर मिलेगा आपको पहली डिजिट के बाद डेसीमन लगा के रिपोर्ट करना है ठीक है आपसे पूछ रहे हैं लॉग ऑफ माइनस सिक्स टू ठीक है तो इसका है? है, तो चीज बढ़ाया पड़ेगा ठीक है जैसे एंटीलॉग ऑफ माइनस वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर से जस्ट हायर नंबर कौन सा होता है टेन की पावर माइनस टू अब टू और वन पॉइंट फोर में क्या डिफरेंस है जीरो पॉइंट सिक्स का तो जीरो पॉइंट सिक्स का एंटीलॉग आपको टेबल में से देखना पड़ेगा जैसे आपको कोई बोले फाइव पॉइंट नाइन तो आप क्या करेंगे टेन की पावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट वन का एंटीलॉग एंटीलॉग टेबल में से से देख के लिख देंगे। तो इस तरीके एंटीलॉग्स देखे जाते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है एंटीलॉग की वैल्यू मैंने उधर आपके लिए पी एच की वैल्यू दे रखी है पीएच इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट फोर अब पीएच होता क्या है नेगेटिव लेगुरिद्रेशन तो फिर H प्लस आइन या H3O थ्री ओ प्लस एन कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा H प्लस नहीं होता वो H3O थ्री ओ प्लस ही लिखना उसको H3O थ्री ओ प्लस हमारे तो क्या हमारे टाइम पे टीचर्स H प्लस लिखते थे तो हमको आदत लगा दी H प्लस कभी नहीं लिखा जाता H3O थ्री ओ प्लस लिखा जाता है हम पर के, हमारे टाइम पे H प्लस एच प्लस एच प्लस लिखते थे लेटर ऑन ये होता है कि एच प्लस नहीं एग्जिस्ट करता है एच प्लस हमेशा एच टू के साथ बाइंड होकर ही एग्जिस्ट करता है तो जो करेक्ट मेथड होता है वो एच थ्री ओ प्लस होता है तो एच थ्री ओ प्लस एन कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा माइनस फोर पॉइंट फोर का एंटीलॉग माइनस फोर पॉइंट फोर का ठीक है तो एंटी लॉग ऑफ माइनस फोर पॉइंट फोर आप कैसे निकालोगे पॉइंट तो सिक्स तो का एंटीलॉग है थ्री पॉइंट नाइन एट तो आंसर है थ्री पॉइंट नाइन एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव तो समझ में आया एच प्लस एन कंसेंट्रेशन कैसे निकाली हमने नहीं मेहनाज आपको एंटीलॉग इस तरीके से दिया जाएगा बेटा टेबल या तो टेबल दी जाएगी आपसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप लॉग एंटी लॉग लर्न कर लो कुछ ना कुछ दिया जाएगा या तो टेबल दी जाएगी कि आप खुद फाइंड आउट करो या फिर ये दिया जाएगा वैल्यू थर्मोडाइनेमिक्स नेक्स्ट होगा की थैंक यू सो मच श्रेया राघवन गॉड ब्लेस यू आ गया सबको आ गया ओके okay. अब इसी में आपको पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय एच प्लस एन कंसनट्रेशन है ना इज इक्वल्स टू टेन की पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट नाइन एट इन टेन की पावर माइनस फाइव इसको सॉल्व करेंगे तो ओएच एच माइनस एंड कंसेंट्रेशन अब ये आप खुद करेंगे फर्स्ट वाला करो अगर पी एच की वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव टू है तो फिर एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन कितनी होगी ये अब आप निकालेंगे देखिए सबसे पहले किसका सही आंसर आ रहा है थैंक यू रूबी वेरी गुड रियान का आंसर आ गया है नगीना का आंसर आ गया है शाबाश ये मेरे बच्चे वगीशा का आंसर आ गया है एंटी एंटीलॉग दिया ना शिशिर वो देखो ओके okay. तो देखो एचप्ल इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ माइनस पी एच है ना इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस सेवन पॉइंट फाइव टू इज इक्वल्स टू हायर डिजिट तो पावर में जाएगी सात से बड़ा कौन आठ तो माइनस आठ आठ में सेवन पॉइंट करोगे तो पॉइंट फोर एट आएगा जिसका एंटीलॉग है क्या हो जाएगा एच प्लस आइन कंसन टू पॉइंट फाइव जीरो वाला करो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वाला करो वेन पी एच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो कैसे निकलेगी एच प्लस आइन इज टू नेगेटिव लॉग ऑफ पी एच नेगेटिव एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव पी एच लॉग ऑफ नेगेटिव पी एच ठीक है एंटी लॉग ऑफ माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एंटी लॉग ऑफ जीरो क्या होता है एंटी लॉग ऑफ जीरो वन होता है देखो एक और चीज बताऊं मैं तुम्हें लॉग एक्स अगर वाई के बराबर है ना इसको मैं रफ स्लाइड लगा के बताती हूं लॉग एक्स अगर y के बराबर है तो x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ y लॉग को उल्टी तरफ फेंक दोगे तो एंटी लॉग बनता है एग्जाम्पल दोन की वैल्यू क्या होती है one. और एंटी लॉग ऑफ क्या होता है अभी अभी पढ़ाया था ना एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर इज टेन की पावर दैट नंबर टेन की पावर वन ठीक है अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले एंटी लॉग ऑफ एनी होल नंबर इज टेन की पावर दैट नंबर तो टेन की पावर वन क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा अच्छा एक और एग्जाम्पल लॉग हंड्रेड क्या होता है टू होता है वॉट इज लॉग हंड्रेड जितने पिछली क्लास में बताया था ना जितना आपको जीरो हंड्रेड टू है तो एंटी लॉग ऑफ टू क्या है 10 की पावर यानी लॉग क्या होता है थ्री लॉग ऑफ थ्री क्या होता है टेन की पावर थ्री लॉग ऑफ थ्री क्या होगा टेन की पावर थ्री यानी थाउजेंड लॉग वन क्या होता है जीरो तो एंटी लॉग ऑफ जीरो क्या होगा वन तो इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई देस टू इफ लॉग एक्स एंटी लॉग ऑफ टू एक्स गॉट इट है ना तो इस हिसाब से आपका एंटी लॉग ऑफ जीरो वन तो पी एच की वैल्यू आ जाएगी वन ये करें टू पॉइंट फाइव जीरो पी एच इज टू टू पॉइंट फाइव जीरो तो एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन होगी लॉग ऑफ माइनस पी एच ठीक है यानी कि एंटीलॉग ऑफ माइनस टू पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो का एंटीलॉग मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट फाइव जीरो का एंटीलॉग है थ्री पॉइंट वन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो का एंटीलॉग है थ्री पॉइंट वन सिक्स तो आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री आया भाई समझ में आज का पूरा कंटेंट अब हमें आ चुका है कि अगर हमें पीएच देते हैं तो हम एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर हमें ओ एच माइनस एन निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन इससे कर देंगे डिवाइड और अगर हमको एच प्लस याच माइनस एन कंसेंट्रेशन देते हैं तो हम पी निकाल सकते हैं आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी अब शुरू होगा वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस का पी अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स किए थे तो वो बहुत सिंपल थे क्योंकि उसमें ज, जो एसिड की कंसेंट्रेशन थी वो एज इट इज आपके एज एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन चल रही थी क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था आगे जो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ये वेरिएशन आएगा कि अब हम वैसे एसिड्स लेंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो जब अगर एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता ना तो फिर आप एसिड की कंसेंट्रेशन को एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन के फॉर्म में नहीं डाल सकते तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में एंड दैट्स इट फॉर टूडे बग्स बाउंड्री पे आपको कोई इप्रोप्रेट कंटेंट दे रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कॉम्बैट स्कॉलेट स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी वीक दीजिए संडे के संडे होता है बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप पूल है कोड नहीं भूलिएगा मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइव एंड मेडल्स फॉर टॉप थ्री रैंकर्स होते हैं इसमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल एंड बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं एंड स्कॉलरशिप्स होती हैं सब्सक्रिप्शन लेने फ्री का सब्सक्रिप्शन लेने का एकमात्र तरीका है कॉम्बैट में आइए और अपने आपको प्रूव कीजिए यहाँ पे आस्कर आउट फीचर भी है जिसमें आप जितने मर्जी डाउट पूछ सकते हैं और जब मर्जी पूछ सकते हैं अन अकेडमी ऑल्सो कंडक्ट प्रोडिजी टेस्ट जो कि शुरू होने वाला है कल से अमेजिंग टेस्ट है अगर आप डिजर्विंग है तो आपको अन अकेडमी दे सकता है ट्वेंटी लाख की कॉलेज ग्रांट प्रोडिजी टेस्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद को टॉप हंड्रेड विनर्स को क्या मिल सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस मिल सकते हैं ये स्केड्यूल है और एम बी लाइव से मास्टर ब्लास्टर कोड से आप एनरोल करेंगे दे तो रहे ना प्रोडिजी टेस्ट आई होप ऑल ऑफ यू आर गिविंग टॉप हंड्रेड रैंकर्स को अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं तो जरूर आपको देना है एंड uh, आने प्लस का प्लेटफॉर्म मस्त प्लेटफॉर्म जहाँ हम सारे बच्चे मिलकर के प्रॉपर एक गैंग बनाते हैं और जो पढ़ाई होती है उसका तो भाई साहब पूछे ही मत प्रॉपर वर्कशीट्स मिलेंगी डी मिलेंगी नोट्स मिलेगा डी सॉल्व होंगी डी के डाउट डिस्कस होंगे एन की अलग से क्लास लगेगी और हर चीज़ आपको प्रॉपर रिफाइंड मैनर में कराई जाएगी कि आप सक्सेस के रास्ते पर चलें मेंटरशिप आपको मिलेगी देश के टॉप मेंटर्स की जो कि अपने अपने फील्ड में अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं ऐसे मेंटर्स की गाइडेंस के तले आपका जो करियर uh, है उसमें रोशनी ही रोशनी होगी ये मेरा मानना है रेज हैंड फीचर से आप पर्सनल कनेक्ट करते हैं अपने टीचर से जिससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है मतलब आपको मजा आने लगता है आपको लगता है कि यार दिस इज माई क्लासरूम हमारे प्लस के बच्चे इतने ज्यादा वेट करते हैं प्लस की क्लासेस का जस्ट बिकॉज की उनका जो कनेक्ट है प्लस के एडुकेटर्स के साथ वो बहुत अमेजिंग होता है एंड पी वगैरह तो मिलती है वर्कशीट मिलती हैं मेगा क्विजेज वीकली क्विजेज वो सब होती रहती हैं तो आपको बहुत अमेजिंग सा एक एक्सपीरियंस होता है मेरे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक है जिनमें बच्चों ने ऑफलाइन कंटिन्यू की मतलब ऑफलाइन लिया लेकिन कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन सिर्फ बैकअप की तरह लिया कि ठीक है वहां कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो इनसे पढ़ लेंगे लेटर ऑन दे रियलाइज की जितनी अच्छी यहाँ पढ़ाई हो रही है और जितना हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज एमसी क्यूज एमसी क्यूज प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीचर्स नॉट ओनली पढ़ाते हैं बल्कि हमको गेमीफाइड जोन में ले जाकर पढ़ाते हैं गेमीफाइड समझते हैं आप कि आपको कोई सवालों का लिस्ट दिया जाता है और आप उसको आप उसको अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपको स्कोर देती है तो ऐप पे ये चीजें होती हैं तो उसमें इतना मजा आता है बच्चों को कि बच्चों ने अपनी ऑफलाइन कितने बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैम हम ऑफलाइन तो छोड़ चुके वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है ऑफलाइन ट्यूशन बहुत महंगी होती है एक एक की फीस लगती है। यहाँ दो साल की पच्चीस हजार फीस नहीं लगती है और सारे एंड वी आर बेटर अपने अपनी uh, कहीं नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ अन अकेडमी सच फीडबैक्स एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ भी बहुत अच्छा अमेजिंग परफॉर्म कर सकते हैं हाँ लेकिन अगर आप नहीं ले सकते सब्सक्रिप्शन तो चिंता नहीं कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब पर क्यों भी आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है ठीक है आपको मैं आ, रेफर करूंगी या तो पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन या तो अट्ठारह महीने का सब्सक्रिप्शन बीइंग इन क्लास यू शुड गो फॉर दिस 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 और सेफ साइड पे रहते हैं तो this. अभी का सब्सक्रिप्शन है ये 18, में आपको मिल जाएगा इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे अगले डेढ़ साल से डेढ़ साल के इलेवंथ पूरी बची हुई कवर होगी ट्वेल्थ पूरी कवर होगी और कोड लगेगा मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी ठीक है अब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चुन लो तो आपको डिस्काउंट पूरा मिल जाएगा बट तो मेरी राय डेढ़ साल या पंद्रह महीने पे है आइकॉनिक में भी मेरी राय यही रहेगी बट आप चाहे तो छह महीने का ले लें बारह महीने का ले लें वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं जितने लंबे समय के लिए आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ ऑफर होता है अकेडमी पे यूजिंग कोड एम बी ठीक है जेई नीट के ये रहे चार्जेस और ये रहा सब्सक्रिप्शन एंड uh, ये कुछ ऑफर्स हैं जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बाय बाय बच्चों एंड मैं फिर एक चीज जरूर बोलूंगी सेशन ओवर करने से पहले कि जिंदगी सिखाना नहीं छोड़ती आप सीखना कभी मत छोड़िएगा कंपटीशन कि किसी और से नहीं है आपसे खुद से है और आप किस तरह से आज अपने आप को पिछले बीते दिन से बेहतर बना सकते हैं अगर आप बना सकते हैं तो हाँ आप ग्रोथ की तरफ हैं और सक्सेस की तरफ है टाटा बाय बाय सीट्स क्राक